Hello everyone, myself Dr. Monica Maheshwari, gynecologist and obstetrician at Amanti Medicity Hospital, Amritsar. Today we'll talk about placenta previa or the antepartum hemorrhage. Antepartum hemorrhage means bleeding during the pregnancy. Pregnancy ke duran, after 28 weeks of pregnancy ke baad and before delivery of baby, jab bhi koi bleeding hoti hai, to usko hum bolte hain antepartum hemorrhage. And this bleeding is not normal. Most common cause of such bleeding is placenta previa and the rupture placentae. Placenta previa मतलब कि placenta uterus के अंदर low level पे attached है and abruptio placenta means कि placenta की थोड़ी separation हो गई है वहाँ पे collection of blood हो गया है. What are the other common causes of the bleeding during pregnancy? It can be cervical polyp, erosion, any infection, any trauma, which can also cause bleeding. Now let me talk about placenta previa. यूजली जो प्लेसेंटा होता है वो यूट्रस के अपर सेगमेंट पे अटैच होता है. यूट्रस के दो पार्ट्स जैसे होते हैं, अपर यूट्रिन सेगमेंट और लोअर यूट्रिन सेगमेंट. बिफोर प्रेगनेंसी दिस लोअर यूट्रिन सेगमेंट इज अ वेरी थिन सेगमेंट अराउंड 6 to 8 millimeter. बट इन प्रेगनेंसी एंड विद एडवांसमेंट ऑफ प्रेगनेंसी ये लोअर यूट्रिन सेगमेंट जो है विद टाइम धीरे धीरे डायलेट एंड स्ट्रेच होता जाता है, थिन हो जाता है. तो जब प्लेसेंटा लोअर यूट्रिन सेगमेंट पे अटैच होता है तो उसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा प्रीविया. एंड डिपेंडिंग कितना अटैचमेंट है इसका लोअर यूट्रिन सेगमेंट में, इसमें हमने इसकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लीडिंग कर रखी होती है, फ्रॉम type 1 to type 4. लाइक type 1 जो होता है इसका मेजर पार्ट अपर सेगमेंट पे अटैच होता है, थोड़ा सा पार्ट लोअर यूट्रिन सेगमेंट पे अटैच होता है, विच इज़ क्वाइट अवे फ्रॉम द इंटरनल लॉस, मतलब कि बच्चे यानी कि मुँह से बहुत दूर होता है. तो इसकी वजह से यूजली कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है और ऐसे केसेस में हम नॉर्मल डिलीवरी ट्रायल भी दे सकते हैं. जो और टाइप्स होते हैं type 2, उसमें मेजर पार्ट लोअर यूट्रिन सेगमेंट में होता है. type 3 एंड type 4 में ऑलमोस्ट होल प्लेसेंटा लोअर यूट्रिन सेगमेंट पे अटैच होता है. इस केसेस में होता क्या है, ब्लीडिंग कैसे हो जाती है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि विद एडवांसमेंट ऑफ प्रेगनेंसी जो ये लोअर यूट्रिन सेगमेंट है ये डायलेट एंड स्ट्रेच और थिन होता जाता है. तो जो इन इलास्टिक प्लेसेंटा होता है इट गेट शियर ऑफ फ्रॉम इट्स अटैचमेंट फ्रॉम द लोअर यूट्रिन सेगमेंट, तो फिर वो यहाँ से ब्लीडिंग कर सकता है. और यूजुअली ऐसी ब्लीडिंग जो है ये पेनलेस, कॉजलेस, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होती है. पहले इनिशियली एक वार्निंग ब्लीडिंग होती है जो थोड़ी सी होती है, देन यूजुअली प्रेग्नेंट लेडीज दे सफर फ्रॉम द रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ प्रोफ्यूज ब्लीडिंग. तो इसलिए इसमें ये होता है कि प्रेसेंटा प्रीविया में वी एडवाइज पेशेंट टू अवॉइड सर्टेन मूवमेंट विच गिव जर्क, लाइक जर्की मूवमेंट्स और इंटरकोर्स, दे शुड अवॉइड विच माइट प्रोवोक सच ब्लीडिंग. एंड दे यूजली कंप्लेन कि रात को सो के सुबह उठे देन द पूल ऑफ ब्लड, बिकॉज ऐसा होता है कि अपने आप ही इसमें अनप्रोवोक्ड ब्लीडिंग हो जाती है. एंड हाउ टू कन्फर्म प्लेसेंटा प्रीविया इज यूजली कन्फर्म बाय अल्ट्रासाउंड. तो देखा गया कि फिफ्थ मंथ में हम प्रेगनेंसी में level 2 स्कैन कराते हैं तो उसमें 5% केसेज में प्लेसेंटा प्रीविया लिखा होता है, बट इसमें से 0.5% केसेज में ही परसिस्ट करता है प्लेसेंटा प्रीविया. क्योंकि मोर देन सच केसेज में ये बिकॉज ऑफ लोअर यूट्रिन सेगमेंट की स्ट्रेचिंग की वजह से ये वापस ऊपर शिफ्ट हो जाता है. तो इसलिए हमें वापस 7-8 मंथ में अल्ट्रासाउंड करवा के कन्फर्म करना होता है कि वेदर प्लेसेंटा प्रीविया परसिस्ट और नॉट, एंड उसकी टाइप क्या है, ग्रेडिंग क्या है. क्योंकि अगर type 3 या 4 है तो उसमें तो वी हैव टू डू सीजन सेक्शन ओनली, वी डोंट गो फॉर नॉर्मल टाइप ऑफ डिलीवरी, अदरवाइज दे विल बी प्रोफ्यूज ब्लीडिंग एंड इट विल हार्म द मदर एंड द बेबी. नाउ व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ दिस प्लेसेंटा प्रीविया बिकॉज ऑफ in mother, because of bleeding it can cause anemia, hypovolemic shock can be occur, and then it can cause premature labors, premature rupture of membranes also, and fetus ke andar it can, there is increased morbidity and mortality because of basically prematurity and asphyxia. So in this basically we need to improve the mother health and anemia, and she should have a regular antenatal checkup. She'd have regular investigations, ultrasound to confirm. And the main thing is that such cases should be timely referred to the center, which are well equipped with the operation theater, blood bank, investigations, ultrasound, jahan pe sab hote ho, facilities available ho, jahan pe 24 hours obstetrician, anesthetist and pediatrician ki availability ho, aur jahan pe nicotine ki bhi facility ho. तो अगर पेरिफ्री में ऐसा कोई भी केस होता है जिसे ब्लीडिंग हो जाती है 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के बाद, तो फर्स्ट डायग्नोसिस इज प्लेसेंटा प्रीविया. तो इसलिए कंफर्म करने के लिए दे शुड टाइमली रेफर सच केसेस टू द टर्शियरी लेवल सेंटर्स
to well manage those cases. Okay, thank you.